ठीक है बच्चों, तुम ऐसे ना इसको ऐसे देखो। सपोज दैट हमारे पास क्या लिखा है, तुम इसको ऐसे देखो। ये हो गया ना हमारा, क्या हम लोग थे ना, तुम यहां पे ऐसे देखो। हमारे पास क्या लिखा है, हमारे पास लिखा है ये देखो, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, और एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना, ऐसे लिखा है। अब जरा इसको ध्यान से आप देखो, यहां पे क्या है, इसको मैं ना एक सेट ए मानता हूं। तो ये किस टाइप का लिखा है, ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिखा है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने क्या मान लिया, ए सेट अज्यूम कर लिया, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख लिया, बीच में एंड है, फिर क्या होगा, ए और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ए को हमने फिर रिप्लेस कर दिया किससे, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी से, तो ये क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, एंड हो गया यहां पे। फिर ए को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब यहां पे देखो, फिर और है, ये बीच में एंड है, तो और क्या होगा, एंड पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख लिया, बीच में एंड है, ये एंड यहां आ गया, फिर ये क्या हो गया, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे हो गया, फिर लिखा एंड यहां पे, फिर देखो बीच में एंड है, ये और है, तो एंड तो और पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हमने क्या लिखा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। और की जगह यहां एंड हो गया, ये क्या हो गया, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे लिख लिया, ठीक है। ये स्टेप है ना, एक्चुअली बीच में छोड़ दिया था, इसको देख लो, ये क्या होगा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और बी, ये क्या, इसे हम लिखेंगे एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बी का एलिमेंट नहीं है, तो फिर एक्स एलिमेंट है बी कंप्लीमेंट का और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख लिया, ठीक है, विजिबल है, हाँ ठीक है, ठीक है। अब बीच में एंड है, ये क्या लिखा है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए, और अगर एक्स ए का एलिमेंट नहीं है तो ए कंप्लीमेंट का एलिमेंट है, बीच में एंड है, इसको हमने क्या लिख लिया, ऐसे ही रहने दिया, एक्स एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चल गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ये एंड हो गया। ये देखो यहां क्या लिखा है, एक्स एलिमेंट ऑफ बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट ऑफ बी का तुम यूनियन लोगे ना, तो तुम्हें यूनिवर्सल सेट मिलेगा, किसी भी सेट और उस सेट के कंप्लीमेंट का जो यूनियन होता है, क्या मिलता है हमें, यूनिवर्सल सेट। तो यहां क्या मिल गया, एक्स एलिमेंट ऑफ एस, एंड हो गया। यहां क्या हो गया, फिर ये देखो, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, तो क्या हो गया एस, एंड ये क्या हो गया, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे हो गया, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों बताओ क्या है, किसी भी सेट का अगर तुम इंटरसेक्शन लोगे ना यूनिवर्सल सेट के साथ, तो वो सेम सेट आ जाएगा, क्यों, बिकॉज अगर हमने ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया, तो हमें ए यूनियन बी सेट मिलेगा, क्यों, बिकॉज ए यूनियन बी इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, एंड ये क्या है, फिर इसका एस के साथ तुम इस सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा, एक्स एलिमेंट ऑफ सॉरी यहां पे क्या मिलेगा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख सकता हूं। और यहां पे बीच में क्या है हमारे पास, एंड, यहां क्या होगा, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए,
ऐसे आ गया, ठीक है। यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां देख लो तुम, इस सेट के बाद यहां ये डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ये लिखा हुआ है बच्चों, नॉट नहीं है ये, इसको अपने ना पीडीएफ में करेक्ट कर लेना, ये एलिमेंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। और यहां पे क्या लिखा है, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ये आ गया हमारे पास, देख लो, ठीक है ना। ये जो बीच का जो स्टेप था ना, ये मिस था, इसको तुम नोट कर लेना अपने पीडीएफ में, जब पीडीएफ लिखोगे ना तो ये बीच का स्टेप भी नोट कर लेना, ये जो स्टेप है ना इसको नोट अप कर लेना। कैसे किया एक बार फिर से समझा दे रहा हूं, यहां पे लिखा है ना एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, इसको हमने ए सेट मान लिया, तो यहां क्या हो गया ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए। अब जो और है वो एंड पर डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड ए और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, फिर ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ए किसके इक्वल है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी, बीच में और आ गया एक्स एलिमेंट ऑफ बी, या एंड आ गया एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे और एंड आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, फिर एंड आ गया एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, यहां पे एंड है, फिर एक्स एलिमेंट ऑफ ए, यहां पे एंड और डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसको क्या लिखा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स एलिमेंट ऑफ ए। अब इसके जगह क्या कर दिया हमने, ये तो ए यूनियन बी हो गया, ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर x b का एलिमेंट नहीं है तो फिर b कम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो x एलिमेंट ऑफ b कम्प्लीमेंट और x एलिमेंट ऑफ b, तो ये मिलके क्या हो गया बच्चों, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। इसी फॉर्म में ये क्या हो गया, ये भी यूनिवर्सल सेट हो गया, x a का एलिमेंट है और x a का एलिमेंट नहीं है, तो a का एलिमेंट नहीं है तो फिर a कम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, तो x एलिमेंट ऑफ a और x एलिमेंट ऑफ a कम्प्लीमेंट, मिलके ये क्या बन गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, तो ये भी बन गया यूनिवर्सल सेट, तो यहां पर यस आ गया। तो अब किसी भी सेट का तुम, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट लिखा है, ये यूनिवर्सल सेट लिखा है, तो ये S लिखा हुआ है, तो S इंटरसेक्शन दिस, तो ये सेट आ जाएगा। फिर यहां पे A यूनियन B का इंटरसेक्शन तुम यूनिवर्सल सेट के साथ लोगे तो A यूनियन B आ जाएगा, A यूनियन B को मैं क्या लिख सकता हूं, X एलिमेंट ऑफ A, तो ये हट गया एक्चुअल में, तो X एलिमेंट ऑफ A और X एलिमेंट ऑफ B, एंड इसमें क्या हो गया कि ये S हट गया तो ये आ गया, तो X एलिमेंट नॉट एलिमेंट ऑफ B और X नॉट एलिमेंट ऑफ A, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट मिल गया। तो ये जो बीच के स्टेप थे ना, ये एक्चुअली मिसिंग थे, तो यहां पे मिसिंग थे, तो तुम अपने पीडीएफ में ये स्टेप भी लिख लेना। आई होप ये आपको क्लियर होगा जो मैंने अभी सॉल्व किया है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। आप अपने पीडीएफ में, दो तीन बार बोल चुका हूं, ये जो बीच का स्टेप है ना इसे आप लिख लेना पीडीएफ में, ठीक है, पीडीएफ में लिख लेना, या जो आप नोट कर रहे हो ना मेरे पीडीएफ, जो मैं पीडीएफ सेंड कर रहा हूं इसको, तो मैंने बोल रखा है कि टीचर्स नोटबुक में आपको नोट करना है, और मैं रैंडमली किसी भी दिन आपका वो नोटबुक चेक कर लूंगा, ठीक है। और अगर आपने अपने नोटबुक में नहीं लिखा होगा तो आपके घर पे कॉल जाएगा, आपके पेरेंट्स को आईजी मैम कॉल करेंगी, ठीक है, फिर आप अपने पेरेंट्स को जवाब देना, आप अपने स्कूल में जवाब देना, ठीक है। अगर आपने नहीं लिख रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, तब की बात बोल रहा हूं, नोट कर रहे हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी बच्चा नोट नहीं कर रहा है पीडीएफ को, तो वो कंपलसरी है पीडीएफ नोट करना अपने नोटबुक में। अगर आपने नोट नहीं किया है, किसी दिन भी मैं रैंडम चेक करूंगा, आपको बोलूंगा आप अपने नोटबुक का स्क्रीनशॉट लेके या उसका स्नैप लेके मुझे सेंड करो, और अगर आप नहीं कर पाओगे तो फिर आपके घर कॉल जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। और एक बात और, हमारा ये चैप्टर सेट कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं तुम्हें सेट से, बस एक पीडीएफ और है, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं सेट का एग्जाम लूंगा आपसे, टेस्ट लूंगा, उस टेस्ट से पहले दो तीन दिन पहले आपको आपके घर पे कॉल चला जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि कौन से दिन आपका टेस्ट है, दो से तीन दिन पहले इन्फॉर्म हो जाएगा, सेट जैसे ही कंप्लीट होगा उसके एक दो दिन बाद आपका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट के लिए क्या होगा, मैं क्वेश्चन पेपर आपको एज अ पीडीएफ सेंड करूंगा, आप उसको सॉल्व करके एज अ पीडीएफ मुझे सेंड करोगे, उसके अगले दिन मैं आपको उसका मार्क्स बता दूंगा। टेस्ट का जो स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का, वो क्या होगा, एनसीईआरटी, जो मैं पीडीएफ में सॉल्व करा रहा हूँ क्वेश्चन, जिस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी से क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन बाहर से भी होंगे, जिसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे, और 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे, टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, ठीक है।
वो तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में भी, अभी देख लो। तो यहां से फिर हम इस स्ट्रिप में आ गए, तो यहां पे क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए और एक्स एलिमेंट ऑफ बी, तो ये क्या हो गया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हो गया। और यहां पे क्या है, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ बी और एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए, तो ये ऑलरेडी बता रखा है बीच में और है, तो क्या हो जाएगा, एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एक्स ए यूनियन बी का एलिमेंट है एंड एक्स नहीं एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अगर तुम लिखते हो ना कि एक्स एलिमेंट है ए का एंड एक्स नहीं एलिमेंट है बी का, तो क्या हो जाता है, एक्स एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी। तो यहां क्या बोल रहा है कि एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी का एंड एक्स नहीं एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का, तो क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का। तो यहां से क्या हो गया, ए हम किस एक्स किसका हमने एलिमेंट लिया था, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहां तक इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। फिर हमने कोई वाई एलिमेंट उठाया, रैंडम एलिमेंट उठाया किसका, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का। अब इसको, अभी तो हमने ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को इसका सबसेट प्रूफ कर दिया, अब इसको अगर हमने इसका सबसेट प्रूफ कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेट और ये सेट इक्वल हो जाएगा। तो हमने कोई वाई रैंडम एलिमेंट उठा लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, तो वाई एलिमेंट हो गया यूनियन बी का माइनस ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वाई एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए माइनस बी का तो यही डेफिनेशन होता है, अगर y एलिमेंट है a माइनस बी का तो हम क्या लिखेंगे, y एलिमेंट ऑफ a एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ b, a की जगह यहां पे क्या है, a यूनियन b, और b की जगह क्या है यहां पे, a इंटरसेक्शन b, तो ये क्या हो गया, y एलिमेंट ऑफ a यूनियन b एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो a यूनियन b का एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b, एंड नहीं एलिमेंट है इंटरसेक्शन बी का तो ये बीच में और आ जाएगा, ये ऑलरेडी बता रखा है, अगर यूनियन होता तो यहाँ एंड आ जाता, इंटरसेक्शन है तो और आ जाएगा, तो यहां से हमें क्या पता चला, वाई नॉट एलिमेंट ऑफ ए और वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इसके बाद इस स्टेप पर कैसे आए, वही सेम लॉजिक है जो अभी हमने प्रूफ किया है ना, वो सेम लॉजिक से आ जाएंगे, तो इसको एक बार देख लो इसको, चलो मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। यहां पे क्या लिखा है, y एलिमेंट ऑफ a, यहां से इसके बाद देख लो क्या है, y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, एंड लिखा है y नॉट एलिमेंट ऑफ a और y नॉट एलिमेंट ऑफ b, ऐसे लिखा है। ठीक है, तो इसको मान लो हमने a सेट मान लिया, तो क्या लिखा है, a एंड क्या लिखा है, y नॉट एलिमेंट ऑफ a और y नॉट एलिमेंट ऑफ b, तो ये क्या हो जाएगा, a एंड यहां हो जाएगा y नॉट एलिमेंट ऑफ a, एंड और आपस में डिस्ट्रीब्यूटिव होता है a एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने a को फिर रिप्लेस कर दिया इससे, तो हमें क्या मिल गया, y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b, बीच में एंड है y नॉट एलिमेंट ऑफ a। ये जो स्टेप है ना, मिसिंग स्टेप है, इसको आप क्या करोगे, अपने पीडीएफ में नोट कर लोगे दोबारा, कई बार बोल दिया है y एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b, ये a की जगह रिप्लेस किया, बीच में एंड है y नॉट एलिमेंट ऑफ b, ऐसे लिख लिया, तो यहां से हमें क्या पता चल गया, फिर ये एंड जो है और पर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, तो हमने लिखा y एलिमेंट ऑफ a एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ a और y एलिमेंट ऑफ b एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ a, फिर बीच में और है, यहां लिखा, यहां भी देखो और है, ये एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, y एलिमेंट ऑफ a एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ b, बीच में क्या है हमारे पास, और y एलिमेंट ऑफ b एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, तो यहां देख लो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y एलिमेंट ऑफ a एंड y एलिमेंट है, y नहीं एलिमेंट है a का, तो फिर y एलिमेंट है a कंप्लीमेंट का, और y एलिमेंट ऑफ b एंड y नॉट एलिमेंट ऑफ a, बीच में और है,
वाई एलिमेंट ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी, और यहाँ क्या लिखा है वाई एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई बी का एलिमेंट नहीं है तो किसका एलिमेंट है, वाई एलिमेंट है बी कंप्लीमेंट का। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। उसके बाद देखो ये क्या हो गया, वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई एंड बीच में एंड है वाई एलिमेंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो देखो ए कंप्लीमेंट और ए के बीच में तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, बिकॉज ए कंप्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी सब, और ए कंप्लीमेंट के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो एंड है तो इंटरसेक्शन है, तो ये क्या हो गया नल, और क्या हो गया वाई एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई एलिमेंट ऑफ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा हो गया, और ये क्या होगा वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख लिया। बीच में और है, ये भी क्या हो गया फाई। तो किसी भी सेट का अगर तुम यूनियन लो, किसी भी सेट का अगर तुम फाई के साथ, तो क्या मिलेगा सेम सेट, तो फाई यूनियन दिस, तो ये सेट आ जाएगा। तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया वाई एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ ए, और वाई एलिमेंट ऑफ ए और ठीक है वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ऐसा हो गया। ठीक है, ये फाइनल हम इस स्टेप पर आ गए। देख लो यहां पे ए लिखा है ना, देख लो यहां पे क्या लिखा है, वाई एलिमेंट ऑफ ए और वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी, देख लो ये यहां पे लिखा है, और वाई एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ ए लिखा है। ये तो और है, और का मतलब क्या होगा, और तो कम्यूटेटिव होता है, इसको तुम पहले लिख दो उसके बाद इसको लिख दो तो सेम ही बात होगा। तो यहां पे क्या हो गया, ये रिजल्ट पे आ गया हम लोग। यहां से समझ में आ गया ना कि इससे इस पर कैसे आए, ये बीच के इतने सारे स्टेप्स जो थे मिसिंग थे, इतने जो स्टेप्स थे ना बच्चे ये मिसिंग थे। आप क्या करोगे, इसको पीडीएफ में नोट कर लोगे, दिख रहा है विजिबल है, ठीक है ना। इसको आप जब वीडियो देखोगे ना, एक बार पॉज करके इसको तुम अपने पीडीएफ में ये इसके बाद देखो, इस स्टेप के बाद, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप के बाद इस स्टेप पे जाओगे ना, तो बीच के इतने सारे स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है ना। इसको आप अपने पीडीएफ में नोट कर लोगे, देख लो इस स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद ये सारे जो है ना इस पेज में लिखा हुआ ये सारे स्टेप्स मिसिंग है, इसको आप अपने पीडीएफ में नोट कर लोगे। इस स्टेप के बाद इस स्टेप पर कैसे आए, वो इतने सारे बीच के स्टेप्स मिसिंग है, उसको आप नोट कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे क्या लिखा है, वाई एलिमेंट ऑफ ए एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, और वाई एलिमेंट ऑफ बी एंड वाई नॉट एलिमेंट ऑफ ए। तो वाई अगर ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट नहीं है, तो फिर वाई ए माइनस बी का एलिमेंट है, और वाई अगर बी का एलिमेंट है एंड ए का एलिमेंट नहीं है, तो वाई एलिमेंट हो गया किसका, बी माइनस ए का। तो बीच में और है तो यूनियन आ गया, तो क्या हो गया वाई एलिमेंट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और वाई हमने किसका एलिमेंट लिया था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए माइनस ए, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट लिया था, और वाई हमें किसका एलिमेंट मिल गया, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का। तो यहां से हमें क्या पता चला, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। तो फ्रॉम वन एंड टू ये प्रूफ हो गया हमारा जो थ्योरम था ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये थ्योरम प्रूफ हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा, बीच के जो स्टेप्स थे वो मिसिंग थे, वो आप अपने नोटबुक में लिख लोगे। अब बच्चों आ जाओ थ्योरम नंबर 10 में। थ्योरम नंबर 10 में क्या है कि इफ ए बी सी आर एनी थ्री सेट्स देन प्रूव दैट, इसको मैंने ऑलरेडी कट कर रखा है बिकॉज ये जो थ्योरम है ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है, ठीक है ना, किसी थ्योरम नंबर 6, 7, 8 कहीं भी मैंने इसे प्रूफ कर रखा है। मैंने एक थ्योरम प्रूफ किया था ना अल्टरनेट मेथड ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें ये दोनों थ्योरम्स प्रूफ किए थे, इसीलिए यहां मैंने इसको कट कर दिया। ये थ्योरम एक्चुअली सही लिखा हुआ है। इस थ्योरम में क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी, ये इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही थ्योरम लिखा है, ये ऑलरेडी मैंने प्रूफ कर रखा है, ठीक है, इसलिए यहां पे मैंने कट कर दिया है। अब आ जाओ इसका हमें प्रूफ क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। ये बच्चों ये थ्योरम क्या बोल रहा है, इस थ्योरम को देखो समझो ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो इंटरसेक्शन है ना वो माइनस पर डिस्ट्रीब्यूटिव है,
इसको हमने कैसे लिखा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, बट माइनस इंटरसेक्शन पे और यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता है, इंटरसेक्शन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। जैसे देखो यहां लिखा है ना, यहां मैंने क्या बोला, इसको तुम ऐसे देखो, सपोज दैट ना यहां पे मैंने जैसे यहां मैं क्या बोल रहा हूं, a माइनस बी इंटरसेक्शन c, इसको क्या लिखेंगे, a माइनस बी इंटरसेक्शन है तो यूनियन a माइनस सी, ऐसे लिखेंगे, और a माइनस बी यूनियन c होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी यहां यूनियन है तो इंटरसेक्शन a माइनस सी हो जाएगा। बट अगर a इंटरसेक्शन b माइनस सी होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c, ठीक है ना। ये दोनों थ्योरम ऑलरेडी प्रूव किया जा चुका है। इसमें क्या है, माइनस जो होता है वो इंटरसेक्शन और यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, बट इंटरसेक्शन माइनस पर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। देख लो, यहां अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आ जाएगा, यहां यूनियन होगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। क्लियर ये बात। अब इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं। यहां पे हमने क्या बोला कि लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी का एलिमेंट है तो एक्स ए का एलिमेंट है एंड एक्स बी माइनस सी का भी एलिमेंट है, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड यहां ले रहने दिया। अब अगर एक्स बी माइनस सी का एलिमेंट है तो एक्स बी का एलिमेंट है एंड एक्स सी का एलिमेंट नहीं है, फिर यहां पे एंड है ना, इसको हमने क्या लिखा कि एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। यहां पे हमने ए को इस ब्रैकेट के साथ भी कर दिया और ए को इस ब्रैकेट के साथ भी कर दिया। क्यों कर दिया वो, उसके पीछे तुम ऐसे लॉजिक देखो। अगर मैंने बोला ए एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्स, तीन बार एंड है, दो बार एंड है सॉरी, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ऐसे लिख दिया, फिर एंड दे दिया यहां पे, फिर यहां क्या लिखा एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ सी एंड एक्स एलिमेंट ऑफ सी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां भी एक बार एंड कर दिया, यहां भी एक बार, इसका मतलब इसके साथ एंड कर दिया और फिर एक बार सी के साथ एंड कर दिया, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है। ये तभी पॉसिबल है जब यहां भी एंड हो यहां भी एंड हो। तो हमने क्या कर दिया, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ सी, इसके बीच में एंड रखा, ठीक है। तो यहां पे हमने वही काम किया है। तो अगर x a का भी एलिमेंट है और a इंटरसेक्शन b का भी एलिमेंट है तो x एलिमेंट हो गया a इंटरसेक्शन b का, बीच में एंड है। अब यहां पे देखो x एलिमेंट ऑफ a एंड x नॉट एलिमेंट ऑफ c, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x a का एलिमेंट है और x a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं है, सॉरी x c का एलिमेंट नहीं है, तो x नॉट एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन c, क्यों, क्योंकि ऐसे तुम देखो x एलिमेंट ऑफ a, x जो है वो a का एलिमेंट है बट x c का एलिमेंट नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x a इंटरसेक्शन c का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर x c का एलिमेंट नहीं है तो इस दो के a और c के बीच में कॉमन थोड़े ना आ सकता है। मैं बोल रहा हूं कि x c का एलिमेंट ही नहीं है, एक्स ए का तो एलिमेंट है बट सी का एलिमेंट नहीं है, तो ए और सी का भी एलिमेंट कॉमन एलिमेंट होने के लिए तो एक्स को तो सी का भी एलिमेंट होना होगा ना, ठीक है ना, तो ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट नहीं हो सकता है। अगर एक्स सी का एलिमेंट ही नहीं है तो ए इंटरसेक्शन सी में तो सी का भी एलिमेंट आता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना एक्स नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब यहां पे देख लो एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है एंड एक्स ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट नहीं है, तो क्या हो गया x एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c। ये तो जो लिखा हुआ है ये तो a माइनस b का डेफिनेशन लिखा हुआ है, तो यहां से हमें क्या पता चला a इंटरसेक्शन b माइनस c सबसेट हो गया a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का। सिमिलरली आप क्या करोगे, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लो a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c का, कोई भी रैंडम एलिमेंट उठा लो उसको प्रूफ कर दो कि वो एलिमेंट है a इंटरसेक्शन b माइनस c का, तो ये वाला जो सेट है इसका सबसेट हो जाएगा। और यहां पे हमने क्या प्रूफ कर रखा है, इस सेट को इसका सबसेट, तो फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सेट इक्वल हो जाएगा। वन में हमने प्रूफ किया ना ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, सेकंड में तुम क्या प्रूफ कर दो ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, तो फ्रॉम वन एंड टू ये दोनों प्रूफ होगी, ठीक है।
ये कर लेना, सिमिलरली आप देख लेना, नहीं होता है प्रूफ तो मुझसे पूछ लेना। अब बच्चों आ जाओ, हमारा जो सेकंड है ये क्या प्रूफ करना है हमें, ए इंटरसेक्शन सेकंड में क्या हमें प्रूफ करना है, ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, इसको प्रूफ करना है। तो इसको तुम कैसे प्रूफ करोगे, इसका प्रूफ तुम ऐसे देख लो, इसका प्रूफ मैंने अभी तुम्हें पीडीएफ में नहीं सेंड किया, नेक्स्ट पीडीएफ में इसका मैं प्रूफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकता हूं, बी सिमेट्रिक डिफरेंस, सी के डेफिनेशन क्या है, ए माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इंटरसेक्शन यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूटिव है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी, ऐसे लिख लिया। अब बताओ, अभी मैंने इसी थ्योरम में पढ़ा है ना कि इंटरसेक्शन जो होता है वो डिफरेंस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यूनियन ये क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज इंटरसेक्शन डिफरेंस पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब ये क्या लिखा हुआ है इसको तुम देखो, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, और यहां क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है ना। कैसे तुम देख लो, अगर तुम ए माइनस ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस लेते हो तो इसको क्या लिखते हो, पहले ए में से बी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर यूनियन फिर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यही किया ना। तो अब अगर इसका तुम सिमेट्रिक डिफरेंस लोगे तो क्या लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी में से पहले ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो यहां लिखा हुआ है, फिर बीच में है यूनियन, वो यूनियन यहां पे लिखा हुआ है, फिर क्या करोगे, ए इंटरसेक्शन सी में से तुम ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो यहां पे लिखा हुआ है। तो ये जो लिखा है ना, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यूनियन, ये जो लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो गया हमारा थ्योरम। इसका मैंने प्रूफ तुम्हें अभी पीडीएफ में नहीं सेंड किया है, जो नेक्स्ट पीडीएफ होगा उसमें ये प्रूफ कर दूंगा। हाँ, इसके बाद लास्ट पीडीएफ होगा, हमारा सेट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। यहाँ पे फिर से एक बार बोल रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसका सिमेट्रिक डिफरेंस, यहां से तुम उल्टा देखो इधर, ए इंटरसेक्शन बी का सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे लिखते हो, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, एक बार ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करते हो, फिर बी में से ए को सब्ट्रैक्ट करते हो, बीच में यूनियन ले लेते हो। अब इसमें इसका सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी यहां, फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड भी प्रूफ हो गया।